हम अपनी वाइब्रेशन के प्रति कैसे अवेयर हो सकते हैं और कैसे पहचान कर सकते हैं कि हम यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी की बात ज़रूर आ जाती है। अगर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ये वास्तव में कैसे काम करता है और इसके पीछे की साइंस क्या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे सबसे शक्तिशाली तकनीकों के बारे में जानेंगे जिनका यूज़ आप अपने वाइब्रेशन को तुरंत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन क्वांटम फिजिक्स का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। आप जब अपने शरीर को एक बड़े माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर कोशिकाओं से बना है, और जब आप आगे ध्यान केंद्रित करेंगे आप देखेंगे कि आपके सेल्स और मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट एटम से बने हैं, और जब आप आगे जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि निर्मित एटम और पार्टिकल कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेशन करने वाली एक एनर्जी है। एक निश्चित गति से लगातार वाइब्रेट करना, ठीक यही वाइब्रेशन का नियम है जो बताता है कि सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है और कुछ भी आराम से नहीं है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वह सब वाइब्रेट कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के आधार पर कहता है कि जो हम सोचते हैं वही हम ब्रह्मांड को भेज रहे हैं और उसे ही हम आकर्षित करते हैं। आपका ब्रेन ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल गियर में से एक है, क्योंकि आप अपने विचारों और भावनाओं के मीडियम से वाइब्रेशन एनर्जी को बदल सकते हैं। आपका विचार वह जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है, क्योंकि आपका चेतन मन आदतन एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के थॉट्स पर रहता है। जब आप सोचते हैं तो एक निश्चित विचार और एक निश्चित भावना महसूस होती है, तो आप वाइब्रेशन के माध्यम से एनर्जी को अपने सराउंडिंग और अन्य चीज़ों में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को जो भी जिस भी तरह का एनर्जी वाइब्रेशन मैसेज भेजते हैं वही आप अपने जीवन में आकर्षित भी करते हैं। लेकिन हम अक्सर अनुभव करते हैं कि वो चीज़ें हमारे रास्ते में नहीं आ रही हैं जो हमें चाहिए, जबकि हम वास्तव में पूरे समय उसी के बारे में सोचते हैं जो हमें चाहिए। तो फिर हमारी एनर्जी वाइब्रेशन हमारे विचारों के विपरीत काम क्यों करती है? क्योंकि आपकी एनर्जी वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट नहीं होती है, जिससे आपको आपके जीवन में सब कुछ आपकी इच्छाओं के अपोजिट फील होता है और अपोजिट ही मिलता है। तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारी एनर्जी वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट हो जाए? इसके लिए हम पहले ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आपने अपने विचार, अपने बिलीफ को अपने लक्ष्य के साथ अलाइनमेंट में नहीं रखा, तो उससे जो वाइब्रेशन और एनर्जी जनरेट होगी वह पूरी तरह से अपोजिट वाइब्रेशन होगी। तो होगा क्या, सब कुछ विपरीत ही मिलेगा, सब कुछ अपोजिट ही आपके सामने आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके दोस्त का एग्जाम क्लियर हो जाता है और आप सिर्फ एक या दो नंबर से पीछे रह जाते हैं, जबकि ये हो सकता है कि आपने अपने दोस्त के बराबर या ज़्यादा मेहनत की हो। आप सब कुछ करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट को कैच नहीं कर पाते हैं, तो इसे सही तरीके से करने के लिए आपको बस एक काम करना है। आपको अपने बिलीफ, अपने सोचने का तरीका बदलना है, तभी आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिवली राइज हो पाएंगी। इसलिए आपको अपने लक्ष्य के अनुरूप अपने वाइब्रेशन को बदलना होगा, तभी आप सही लक्ष्य को मैनिफेस्ट कर सकेंगे जिसे आप हमेशा से चाहते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आप देखना कि चीज़ें अपने आप बिना प्रयास के आपके सामने, आपके पास आ जाएंगी। चीज़ें इतनी सहज हो जाएंगी कि जैसे एक इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करना। आप इसे ऐसे नहीं मानेंगे, मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुने कि वाइब्रेशन कितनी पावरफुल होती है। रूस के वैज्ञानिकों ने एक वाइब्रेशन पैटर्न पर एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक खरगोश की फैमिली को लिया। इस फैमिली में खरगोश का एक बच्चा और बस उसकी माँ थी। वैज्ञानिकों ने माँ से उसके बच्चे को अलग कर दिया और उसे एक गहरे समुद्र में बनी एक प्रयोगशाला में हजारों मील दूर भेज दिया, और खरगोश की माँ और उसके बच्चे के माइंड वेव्स को मेजर करने के लिए हाईली सेंसर डिवाइस का यूज़ किया गया, जिसमें पाया गया कि दोनों की माइंड वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी पर चल रही थी और वे दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे थे,
मतलब इतनी दूरी होने के बाद भी वो दोनों वाइब्रेशनली आपस में कनेक्ट थे। और जैसे ही वैज्ञानिकों ने टेस्ट करने के लिए खरगोश के बच्चे को बेहोश किया, वैज्ञानिकों ने देखा कि जो खरगोश माँ थी उसकी माइंड की वेव्स चली गई हैं ठीक उसी समय जब उसके बच्चे को बेहोश किया गया था। सब हैरान थे कि एक छोटे से जानवर की कितनी हाई फ्रिक्वेंसी है। इससे साबित हो गया था कि माँ, खरगोश और बच्चे में हजारों मील दूरी होने के बाद भी उनकी वाइब्स आपस में एक दूसरे के तालमेल में थी। यह वही सिद्धांत है दोस्तों जिसकी चर्चा लॉ ऑफ वाइब्रेशन में की गई है, जिसे अब आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि वाइब्रेशन कैसे काम करती है। यही कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आपकी वाइब्रेशन आपके इच्छा के साथ होती है, तो आपकी इच्छाएं ऑटोमेट फॉर्म में होती हैं और अपने आप होती चली जाती हैं, जैसे आप अक्सर दुनिया में देखते हैं। जब कोई प्रोग्रेस करने लगता है तो फिर पता नहीं कि उसकी सक्सेस की ऊंचाई क्या होगी, कितनी होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, पर आपको जानकारी बहुत कमाल की मिलने वाली है। मेरे पास करीब डेली 100 कमेंट ऐसे ही आते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब तक करना है। इस वीडियो में आपको सब बातों का सेटिस्फाई आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारे माइंड का एक ऑर्गन है जिसे अमिगडाला बोलते हैं। यह हमारे ब्रेन का इमोशनल सेंटर है जिस पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पता लगाया कि यदि हम खुद डरी हुई, चिंतित, निराशा या किसी भी ऐसी भावना में है जो नेगेटिव है, तो हम ऑटोमेट ही यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। और यही कारण है कि हम जिस भी एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं वो वैसे ही रिजल्ट हमें देती है। अब मैं आपको 5 स्टेप बताने जा रहा हूँ जिन्हें यूज़ करके आप अपनी वाइब्रेशन को हाई फ्रिक्वेंसी पर राइज कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए पहला स्टेप अपने इरादे को ठीक करना है। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि वे क्या चाहते हैं, इसे मैनिफेस्ट करना तो दूर की बात है। आप एक पल में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अगले ही पल में आप डाउट महसूस करते हैं और किसी दूसरे कैरियर पे काम करना शुरू कर देते हैं। असल में सक्सेस की परिभाषा ही यह होती है कि एक साफ दिखने वाला डेस्टिनेशन और जिसका मोटिव आपको पता हो। जिसे यह दोनों बातें पता होती हैं वह शुरुआत से ही सफल होता है। और रही बात फेलियर की, तो हर फील्ड में आप सीख कर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी इच्छाओं के साथ बहुत डाउटफुल होते हैं। वे अमीर बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं वे वास्तव में कितना चाहते हैं। सो निश्चित करें कि यह वही है जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। सुनिश्चित करें कि ये वही है जिसे आप चाहते हैं और सुनिश्चित करें कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह केवल तभी होता है जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो ब्रह्मांड को एक सही दिशा में मैसेज ट्रांसमिट होगा जिससे आपके लिए परिस्थिति खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगेंगी। स्टेप 2, विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन के माध्यम से आप अपने वाइब्रेशन को हाईली राइज कर सकते हैं। अब आप पहले से जानते हैं कि अपने सपने को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अलाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। जब आप अपने मुंह में नींबू का रस निचोड़ने की कल्पना करते हैं तो आपके मुंह में वो स्वाद, वो लार जरूर आ जाएगी। तो इसका सिद्धांत यही है कि आपका दिमाग वही बनाता है जो आप वास्तविक कल्पना करते हैं, इसीलिए मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की कल्पना करें, प्रैक्टिस करें जो आप करना चाहते हैं और अपने जीवन में जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले से ही वहां हैं और अपने सपने को जी रहे हैं। आपको इसे होते हुए देखना चाहिए ताकि आपका दिमाग इसे वास्तविक बना सके और उन चीज़ों के लिए आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा सके जो आप चाहते हैं। 3rd स्टेप, भावनाओं के माध्यम से अपने वाइब्रेशन को हाईली राइज कर सकते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत से विद्वान ऐसा सोचते हैं कि उन्हें बस इतना करना है कि वे जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें और वो मैनिफेस्ट हो जाए। यह केवल आधा सच है। आपको अपनी भावनाओं के माध्यम से अपनी वाइब्रेशन को एक हाई लेवल तक राइज करना होगा। आपको इसे अपनी भावनाओं के साथ महसूस करने की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल के तौर पर केवल कल्पना न करें कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उन भावनाओं को इस प्रक्रिया में शामिल करें जिस पर हमने पहले और दूसरे स्टेप में बात की है। ऐसा महसूस करें कि आप पहले से ही सफल हैं। ऐसा महसूस करें कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
आपकी भावना सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जो आपके कंपन को तेज कर सकती है और आपको यह वही दे सकती है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप, भावनाओं और प्रोसेस में विश्वास करना है। ज़्यादातर लोग इस कदम को नहीं समझते हैं। आज भी अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं है कि वो अपने सपने को पा सकते हैं, लेकिन आप कभी ऐसा न होने दें। इस प्रक्रिया पर भरोसा करना चुनें। जब आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं तो आप वही बनते चले जाते हैं जो आप हैं और जो आप चाहते हैं। स्टेप 5, आराम करें और प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। जो आप चाहते हैं उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा पैशनेट ना हो। जब आप पैशनेट हो जाते हैं तो आप तनाव महसूस करते हैं। अधिकांश लोग इतने पैशनेट हो जाते हैं कि वो अपनी अब तक की करीबी सारी प्रक्रिया को फेल कर देते हैं। आप इस प्रक्रिया को जल्दी नहीं कर सकते। पहले इसे आप ब्रह्मांड तक पहुंचने दें। जब तक तो आपको विजुलाइज करना ही होगा। अगर आप इसी तरह के और अधिक वैल्यूएबल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइज़।